बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में हैं। हम जा रहे थे मजाज पार्क, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँ अपना व्लॉग। तो चलें मिलते हैं मजाज पार्क में। ये मेड केयर हॉस्पिटल है, यहाँ पे शारजा में ऑलमोस्ट हमारे घर से 15-20 मिनट्स की ड्राइव पर है। क्योंकि विंटर का सीज़न है तो कहाँ लेके जाएं बच्चों को, यही होता है कि चलो पार्क चले जाते हैं। पार्क में ये होता है कि बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, राइड्स होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है पार्क में। मॉल जाना उनको पसंद नहीं होता, कहीं हम मॉल भी चले जाते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमें मम्मा नहीं लेके जाएं, हमें पार्क लेके जाएं, हमें राइड्स पे लेके जाएं। तो वहाँ पे फ़न होता है उनके लिए, मज़ा होता है, बस वही इंजॉय कर लेते हैं। इस वजह से हमने इस वीकेंड पर प्लान किया था कि हम लोग मजाज पार्क या किसी और पार्क जाएँ। ये है शारजा का गोल्ड सेंटर, देख रहे हैं कि ये बाहर से इतना बड़ा है तो अंदर से बहुत चल चल के बंदा थक जाता है, तो इस वजह से हम लोग टर्न भूल गए थे। तो हम इस राउंड से लेकर आ गए थे, हमने कहा चलें यहाँ पे, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था पापा यहाँ से चलना है, तो मेरे हस्बैंड भी जो है ना भूल गए थे यहाँ से। तो ये इनका एंट्रेंस है गोल्ड सेंटर का। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है, फिर अदर साइड भी इतना ही बड़ा है। तो ये है शारजा का गोल्ड सेंटर। यहाँ पे तो वैसे विंटर ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इस मरतबा हुई है, बहुत ही ठंड है। तो ये होता है कि हम पार्क में वैसे तो नहीं जा सकते बहुत, यहाँ पे आपको पता है दुबई में बहुत गर्मी होती है, तो यही सीज़न अच्छा होता है कि हम लोग बच्चों को लेके चले जाएं। विंटर सीज़न में ये होता है कि बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। और ये पार्क ऐसा था ना, यहाँ पे बहुत ही मतलब मज़ा था, ये था राइड्स थे, खाने पीने की चीज़ें थी और खेलने के। वहाँ पे अरबी लोग बहुत आते हैं, यूरोपियन लोग भी आते हैं, बच्चों को स्कूटी वगैरह और साइकिलिंग करवाते हैं। ये देखिए इसका कॉर्निश है,
देखे कितना व्यू। यहाँ पे था बहुत टाइम, तो यहाँ पे मैंने नहीं भेजा था, 2 आवर्स के लिए जाना था, तो मैंने सोचा बहुत ही टाइम हो जाएगा, तो जो 20. दूसरे राइड से उनके 20 ना मामा। या 20। अरे देखो यहाँ पे मीडियम मीडियम नो हाई।
फ्राइज थे बहुत ही ज़्यादा। ये अंदर बैठने का था ऊपर, लेकिन हम विंटर भी था लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था बाहर बैठ के, क्योंकि व्यू बहुत प्यारा था, तो इस वजह से हम लोग बाहर ही बैठ गए थे। ये बुक में देख रहे हैं इनकी शक्लें बेचारों जैसी हो गई हैं, क्योंकि बहुत खेले हैं आज ये लोग, बहुत ही थक गए थे। ये आप देख सकते हैं मस्जिद बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। आ गए थे लोडेड फ्राइज बच्चों के लिए और चॉकलेट लावा केक। मेरे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत हर चीज़ में चाहते हैं कि वो चॉकलेट से भरा हुआ हो। मैं जब भी ग्रोसरी के लिए जाती हूँ बहुत ज़्यादा चॉकलेट लेके जाती हूँ, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे डिनर के लिए नायाब हांडी। इसका खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही यमी होता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, ये शारजा में इनकी ब्रांच यहीं से बस पीछे ही था जहाँ पे अलमजाज पार्क। तो हम काफ़ी दिनों जो जुमेरा में है इनकी ब्रांच, तो वहाँ पे बफे होता है और हमारे घर के भी नज़दीक है, 5 to 10 minutes की ड्राइव पर है। मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम शुरू से ही आए थे, तो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं इस रेस्टोरेंट में, लेकिन ये था कि चलो डिनर कर लेते हैं। अच्छा लगता है मुझे यहाँ का खाना, बहुत ही अच्छा होता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और जो नए हैं इस चैनल पर वो भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जो मेरी नई आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।